किन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। ये देखो, अब इतने सारे मिल के खून पिएंगे तो कहाँ से शरीर में खून बचेगा। और ये दुकान है, आप किसी भी सऊदी के हिंदी मार्केट में, बंगाली मार्केट में जाओगे तो ऐसा बकाला रहेगा। उसी बकाले में ऐसे जाके पूछोगे, ऐसे बकाले में जाके पूछोगे कि खटमन मारने वाला एमी डेक है, तो दवा ले लिया हूँ मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि देख रहे हो, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पहला वजह तो यह है कि ये ब्लॉग नंबर 200 है, और दूसरा नंबर ये है कि 1500 सब्सक्राइबर हो गया मेरा, और तीसरा नंबर ये है कि जो मैंने एक साल पहले वीडियो बनाया था, जो मैं दूसरे मकान में रहता था तो खटमल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर 21,000 व्यू हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो क्योंकि इतना लोग प्यार दे रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि इतने लोग परेशान हैं सऊदी में खटमल की वजह से, और कोई खटमल के ऊपर सऊदी में नहीं बनाया है वीडियो, बाकी इंडिया में बनाया है, हर जगह बनाया है, मगर सऊदी में मुझे लगता है कि मैंने ही एक बनाया है खटमल के ऊपर वीडियो, इसीलिए इतना ज्यादा व्यू आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इतने लोग जब परेशान हैं और कमेंट भी करते हैं कि भाई तुम 14-15 मिनट के वीडियो बना दिए हो और ना दवाई दिखाए हो ना कुछ भी दिखाए हो, टाइम वेस्टिंग कर दिए मैं, तो मैं उन लोगों को कमेंट में जवाब दे दे के थक गया हूँ कि भाई ये ब्लॉग वाला चैनल है, कोई ये टोटका वाला चैनल नहीं है कि खटमल कैसे बनाए। वो मेरे को जो परेशानी था मैंने दिखाया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज खास दिन है, मेरा 1500 सब्सक्राइबर भी हो गए, 200 वीडियो भी हो गया, और उस वीडियो पे इतना प्यार है, 21,000 व्यू हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेलिंग दूंगा कि कहाँ पे दवाई मिलेगा और कौन सा दवाई लेना है और कैसे डालना है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा फुल डिटेलिंग मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये खास कर वो 21,000 लोगों के लिए ही है जो परेशान है, जो खटमल से परेशान है, तो ये दवाई लेकर अगर आप लोग डाल लोगे तो जरूरी खटमल पूरे खत्म हो जाएंगे। तो इस दवाई को दिखाने के लिए मैं खास कर आप लोगों के लिए जाऊंगा मार्केट, और मार्केट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा दुकान पे मिलेगा और कितने का मिलेगा और क्या नाम है और कैसे डालना है, पूरा आप लोगों को डिटेलिंग दिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए जरूर। तो चलो अभी मैं आप लोगों को ये मार्केट का वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे दवाई खरीदना है, कैसे कौन सा मार्केट में जाना है, कैसे दवाई खरीदना है, कितने का खरीदना है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोगों से मैं बात करता हूँ। तो देखो दोस्तों, पहुंच गया मैं मार्केट में, और ये रहा सिटी फ्लावर, ये हिंदी मार्केट है। हिंदी मार्केट में ही जो इंडियन बकाला या फिर पाकिस्तानी बकाला, जो बड़ा बकाला रहता है, जहाँ पे सब मसाला वगैरह हर चीज़ मिलता है, उधर जाके अगर पूछोगे। हाँ तो दोस्तों देखो, मार्केट में आ गया हूँ मैं, और ये दुकान है। आप किसी भी सऊदी के हिंदी मार्केट में, बंगाली मार्केट में जाओगे तो ऐसा बकाला रहेगा, उसी बकाले में ऐसे जाके पूछोगे, देखो ऐसे बकाले में जाकर पूछोगे कि खटमल मारने वाला एमी डेक है, तो इसमें एमी डेक का खत्म है, ये ब्राइट वाला है, ये भी सेमी काम करता है, देख सकते हो। ब्राइट वाला लो या फिर एमी डेक वाला लो, दोनों सेमी है। तो ये वाला पैकेट है, कितने का भाई? 25 रियाल। तो ये 25 रियाल का है, वो वाला 20 रियाल का मिला था मुझे, और मेड इन सऊदी अरेबिया, ये देख सकते हो, और सारा अरबी में लिखा है, तो इसको पढ़ के बता नहीं सकता। बाकी सेमी डालना है, ऐसे ही डालकर सीधे पाउडर छिड़क दोगे तो सारे खटमल मर जाएंगे। बाकी ये देख सकते हो इंट्रेक्शन, जूता पहन लेना है, मास्क लगा लेना है, ग्लव लगा लेना है, और पानी के अंदर डालकर इसको छिड़कना है, बाकी हाथ धो लेना है। ये सब है, यही है, देखो ब्राइट का, इमीडिएट का, सेमी है। तो ऐसे ही हिंदी बंगाली मार्केट में जाओगे ऐसे बकाला रहेगा, जो कि हर चीज़ यहाँ पे मिलता है, काजू किशमिश वगैरह देख सकते हो। तो वहाँ पे आप बताओगे सीधे कि खटमल मारने वाला दवाई दे दो भाई, तो ये ब्राइट का मिलेगा या फिर इमीडिएट का मिलेगा, दोनों सेमी कंपनी है। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो, ये ऐसे मार्केट में आओगे और ऐसे बकाले में जाओगे जहाँ पे हर चीज़ मिलता है होलसेल में, वहाँ पे आप जाकर पूछ लोगे कि खटमल मारने वाला दवा है इमीडेक का या ब्राइट का, तो दोनों मिल जाएगा। तो देखो ये हिंदी बंगाली मार्केट है जहाँ सब्जी वगैरह सब मिलता है, और सऊदी के आप किसी भी हिंदी बंगाली मार्केट में जाओगे
ऐसे वकाला में, पाकिस्तानी वकाला में या फिर हिंदी वकाला में जाकर पूछोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ब्राइट का या फिर इमीडेक का, दोनों ही सेम ही रहता है, दोनों अच्छा ही काम करता है। तो चलो अब चलते हैं, इधर बाहर की तरफ गाड़ी खड़ा है, अब मैं रूम के लिए निकल रहा हूँ, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ऐसे ही मार्केट में जाना है और मार्केट से जो हर चीज मिलता है, हर चीज सामान मिलता है जिस दुकान पे, जिस बकाले पे, जैसे कि मसाले, काजू, किशमिश, ये सब मिलता है। इंडियन का, पाकिस्तानी का, बंगाली का, ऐसा रहता है बकाला सुपरमार्केट। जो मार्केट में रहता है वहीं पे हर चीज मिलेगा, वहीं पे जाके पूछोगे ये ब्राइट का या फिर इमीडेक, ये दोनों सेमी है, मतलब ये दोनों सेमी काम करता है, अलग अलग कंपनी है। मैं लेकर आया था इमीडेक, ब्राइट उस समय नहीं था, उसी दुकान से मैं लाया था जो दुकान आप लोगों को अभी दिखाया, तो उस समय ब्राइट नहीं था उसके पास, तो वो इमीडेक दिया मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा काम आएगा खटमल में, कौन सा नहीं आएगा, वो अपने मर्जी से उस समय भी इमीडेक दिया था और अब ब्राइट का रख रखा है। बाकी दोनों दवा सेम ही काम करता है, बस फर्क है कंपनी कंपनी का। बाकी लेकर आना है उसको, तो उसपे जो लिखा हुआ है कि ये ग्लव लगाओ, मास्क लगाओ, पानी में घोल कर छिड़को, मैंने पहले शुरू में वैसे ही किया था, फिर भी खटमल नहीं गए थे, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट पूरा छिड़क दिया, पूरे कोने कोने, किनारे किनारे, जितने भी मैंने वो कालीन बिछा रखा था, मैंने पूरे किनारे किनारे ऐसे ही डायरेक्ट छिड़क दिया बिना पानी का ही, ऐसे सूखा। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, खटमल कभी मेरे रूम में आए नहीं। इस मकान में रह रहा हूँ तो इसमें कोई खटमल नहीं है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मार्केट में गया था मैं, उससे पैकेट लेके वीडियो बना लिया, फिर उसको लौटा दिया, मैं खरीदा नहीं। बाकी उस रूम में भी खटमल पूरे खत्म हो गए थे, और जो उसके बाद जो दूसरे रूम में गया उसमें भी नहीं थे खटमल, और इसमें भी खटमल नहीं है, तो अभी कोई खटमल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर होगा तो वही दवा लाकर मैं छिड़कूंगा। बाकी आप लोगों को खटमल का प्रॉब्लम है तो ये दवा जरूर लाकर ऐसे डायरेक्ट छिड़क लीजिए, वो जो दिखा रखा है मास्क लगाओ, ग्लव लगाओ, ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो दवा डालकर आप चाहो तो उसी समय सो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस वो लोग इसलिए बताए हैं पानी में घोल के डालने के लिए कि ऐसे पाउडर डालोगे और वो पंखा वगैरह चलेगा तो उड़ के मुंह वगैरह में जाएगा तो कुछ तबीयत वगैरह खराब हो सकता है, इसीलिए अगर चाहो तो आप लोग पानी में घोल कर डाल सकते हो, ताकि अगर पंखा वगैरह, कूलर वगैरह आप लोग चलाते हो तो उड़कर आप लोगों के मुंह वगैरह में, नाक वगैरह में ना जाए, खाने वगैरह में ना जाए। और नीचे जो डालना होगा कालीन के नीचे, ऐसे ही डायरेक्ट डाल देना, तो उधर से तो उड़ने वाला नहीं है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यही था इस वीडियो में, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो ऐसे ही मैं डेली वीडियो डालता रहता हूँ, सऊदी का हाउस ड्राइवर का प्रॉब्लम कैसा रहता है, क्या क्या हम बनाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रूम में रहते हैं, सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ब्लॉग के जरिए से। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब ऐसे भी आगे वीडियो आता रहेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय सलाम, टेक केयर एंड गुड बाय।